जैसा कि अभी जो है कोल्ट ओएस रोम का ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 बिल्ड जो है रोल आउट होने स्टार्ट हो गए हैं काफ़ी सारे डिवाइस के लिए, जो कि पोको एफ थ्री के लिए भी आया और मी इलेवन एक्स के लिए भी, जो कि दोनों ही डिवाइस मेरे पास हैं। तो अभी तो फिलहाल पोको एफ थ्री का कर रहा हूँ, आगे मी इलेवन एक्स का भी आएगा। और यहाँ पे क्या कुछ हमें मिलता है, किस तरीके की रोम है और कस्टमाइजेशन कैसा रहने वाला है, कौन कौन से बग या फीचर हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। बाकी सिस्टम एक्सटी बिल्ड है और इनक्रिप्टेड आती है, डिस्क्रिप्शन पर आपको इंस्टॉलेशन मिल जाएगा, तो आप वीडियो देख लीजिएगा इंस्टॉल करना चाहो। बाकी वीडियो आप कंप्लीट देख लें ताकि आपको सारी चीज़ के बारे में पता चल जाए। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अबाउट फोन का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन हमें मिल जाएगा, डीप स्लीप ये सब आपको नीचे मिलता है। यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन के अंदर यहाँ पे कोल्ट ओएस का इमेज हेडर इमेज मिलेगा और 13.1 वर्जन है ये कोल्ट ओएस का एंड्रॉयड वर्जन 13 के साथ, अप्रैल 2023 का सिक्योरिटी पैच और कर्नल कवाई का 1.1 देखने को मिलता है और सेलेनिक्स स्टेटस इसका इन्फोर्सिंग रहने वाला है। अब यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर चल के सबसे पहले सिम में आपको चल के आपको दिखा दूँ प्रेफर्ड नेटवर्क। तो यहाँ पर फिलहाल हमें 3G 4G मिलता है एंड वाईफाई कॉलिंग के अंदर वैसे आपको यहाँ पे रोमिंग प्रेफर भी मिल जाता है, तो इसका यूज़ कर पाओगे। तो ये काम कर रहा है वाईफाई कॉलिंग। और फिर यहाँ पे कास्ट की अगर बात करें तो हॉटस्पॉट की बात करें तो हॉटस्पॉट अच्छे से काम कर रहा है इसके अंदर में, इसको लेके कोई प्रॉब्लम फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिला है। प्राइवेट डीएनएस नॉर्मल ही रहेंगे, कनेक्टिविटी चेक भी लास्ट में मिलता है। कनेक्टेड डिवाइसेज के अंदर ब्लूटूथ टाइम आउट मिल जाएगा, वैसे वाईफाई के अंदर भी इसी तरह का टाइम आउट आपको मिलेगा। और यहाँ पे कास्ट हमारा ये बिल्कुल वर्किंग रहने वाला है, कास्ट काम कर रहा है। और इसके अंदर आपका ये कोल्ट इंजन मिलता है, इग्मा मिल जाता है। इसके अंदर आपको यहाँ पर जो है पूरा इसका कस्टमाइजेशन मिलेगा, जिसमें स्टेटस बार में क्लॉक एंड डेट की सेटिंग्स है, ट्रैफिक इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ पे बैटरी कस्टमाइजेशन के सेटिंग्स है, जिसमें बैटरी स्टाइल काफ़ी मिलती है लैंडस्केप की, बैटरी परसेंटेज वन चार्जिंग भी है सब आपको मिलेगा। और यहाँ पर स्टेटस बार का लोगो आप लगा पाओगे, कस्टम लोगो भी आप लगा पाओगे इसके अंदर में। और स्टेटस बार के लिए वेदर भी दिया गया, साथ साथ सिस्टम आइकन्स भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। और इसी के नीचे आपको वो वाईफाई आइकन है, इसको ऑफ करते आप वॉल्टी आइकन जो है वो आप मेन अपना चेंज कर पाओगे। और नीचे फिर प्राइवेसी इंडिकेटर हैं, जैसे कि मीडिया हो गया, कैमरा माइक का हो गया एंड प्रोजेक्शन का, ये सब इंडिकेटर हो गए एंड रोमिंग इंडिकेटर है, सो डाटा जिसे वाला आइकन, ओल्ड मोबाइल टाइप आइकन है, ये सब मिलता है। क्विक सेटिंग्स के अंदर आपको क्यूएस स्टाइल के लेआउट को चेंज करने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। और इसी के नीचे ब्राइटनेस स्लाइडर की पूरी सेटिंग्स है, साथ साथ क्यू एस स्टाइल का स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। अलग अलग स्टाइल इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि बाकी रूम्स में भी आप ये चीज़ देख रखे होगे। और नीचे फिर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी के लिए दिया गया है, ये आपको मिल जाएगा। क्विक पुल डाउन भी है, डिसेबल क्यू एस ऑन लॉक इन मिलेगा, क्यू एस फूटर वार्निंग है और क्यू एस फूटर टेक्स्ट भी मिल जाता है। तो टेक्स्ट पर कुछ भी लिखोगे तो आपको क्यू एस पैनल के अंदर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हम चलते हैं इसके बटन की तरफ। तो बटन में यहाँ पे वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट का मिलता है, म्यूज़िक कंट्रोल है, रीओरियंट है, वॉल्यूम रोकर का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो नेविगेशन बार दिया गया, यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन है और इसी के अंदर आपको 2 बटन 3 बटन नेविगेशन भी मिलता है। और यहाँ पे इसके अंदर एडवांस जेस्चर ऑप्शन भी दिया गया है और साथ साथ आप इसमें जो है यहाँ पे लेंथ भी कंट्रोल कर पाओगे अपने पिल का। और आईमी बटन स्पेस भी मिल जाता है इसके अंदर में, जिससे आप कीबोर्ड के नीचे का स्पेस हाइड कर पाओगे। हैप्टिक फीडबैक ये भी आपको जेस्चर में मिल जाता है। वहीं 3 बटन नेविगेशन में आपका यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा, हालांकि जेस्चर में कोई दिक्कत नहीं है, बटन में भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से काम करे। और 3 बटन नेविगेशन के सेटिंग्स से बाहर आपको यहाँ पे मिल जाएगा लेआउट चेंज करने के लिए। और अब चलते हैं पावर मेन्यू की तरफ। तो यहाँ पे हाइड ऑन लॉक स्क्रीन का मिलता है पावर मेन्यू के लिए, ओपेसिटी है, डिम बैकग्राउंड है और बाकी के शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे। एंड जेस्चर के अंदर जाता तो फिर यहाँ पे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, इसके अंदर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। टॉगल टॉर्च के लिए भी दिया गया है, डबल टैप स्लीप लॉक स्क्रीन और स्टेटस बार के लिए है। ऊपर फिर सिस्टम जो कि जेस्चर के लिए मिलेगा, यहाँ पे 100 मोड हो गया, पावर बटन, एंड कॉल, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन मिल जाएगा, रिंगिंग है, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे इसके लॉक स्क्रीन में। तो लॉक स्क्रीन में अंदर चार्जिंग इन्फो है, हाइड स्टेटस बार है, डिसेबल रिपल इफेक्ट है जो कि एनिमेशन फिंगरप्रिंट वाला, वो आप ऑन ऑफ कर पाओगे। मीडिया कवर आर्ट भी यहीं पर मिल जाता है। और इसी के नीचे आपको लॉक स्क्रीन के लिए भी वेदर का ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी सारी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती हैं। पल्स भी है और लॉक स्क्रीन का नोटिफिकेशन काउंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। एम्बिएंट डेकोर के अंदर म्यूजिक टिकर है, एज लाइटिंग यहीं पे है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जो टेक्स्ट कस्टमाइजेशन मिलता है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो टेक्स्ट, उसको आप फॉन्ट चेंज कर पाओगे, कलर चेंज कर पाओगे, टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर पाओगे, टाइप कलर, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है, जो कि आपके ईओडी के अंदर ये टेक्स्ट शो
करने वाला है जो भी आप इसके अंदर लिखने वाले हो। एंड नीचे एम्बिएंट इमेज का भी मिलता है। और अब चलते हैं सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे एनिमेशन है जिसमें स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, पावर मेन्यू एनिमेशन एंड टाइल स्टाइल मिलेगा एनिमेशन। नोटिफिकेशन के अंदर हेडसअप नोटिफिकेशन जो पॉपअप वाले आते हैं उसकी सेटिंग्स मिल जाती है। सो नोटिफिकेशन काउंट है, अनोइंग नोटिफिकेशन, टोस्ट ऐप आइकन, रेटिकर है, इससे नोटिफिकेशन आपका रेडिजाइन हो जाएगा और स्लिम मिलता है। एंड नोटिफिकेशन पैनल का भी यहाँ पे काउंट मिल जाएगा स्टेटस बार के लिए। एंड ब्रीथिंग नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, एसएमएस मिस कॉल एंड वॉइस कॉल के लिए यहाँ पे वॉइस मेल जो है उसके लिए आपको मिलेगा। तो सब दिया हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे कोल्ड जो कि यहाँ पे कोल्ड का यहाँ पे डेकोरेशन का मिल जाता है जिसमें डार्क थीम दिया हुआ है। इसके अंदर आप थीम जो है डार्क थीम का यानी कि कलर भी सेलेक्ट कर पाओगे। क्लियर वाला ज़्यादातर काफ़ी लोग यूज़ करते हैं क्लियर का, तो वो मिल जाता है इसके अंदर में, जो कि कुछ इस तरीके का रहने वाला, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला। तो डार्क थीम का यहाँ पे क्लियर भी है। और फिर इसके अंदर एडवांस मोनेट सेटिंग मिलता है यानी कि आप कस्टम जो है कलर्स वो भी यूज़ कर पाओगे एंड कलर सोर्स भी, ये सब भी आपको मिलते हैं। एंड वाईफाई आइकन स्टाइल इसके अंदर काफ़ी मिल जाता है, सिग्नल आइकन स्टाइल में भी काफ़ी सारे हैं और फॉन्ट स्टाइल भी काफ़ी मिलने वाले हैं, आइकन से भी मिल जाता है। साथ साथ यहीं पे जो है क्लॉक फॉन्ट स्टाइल भी आपको चेंज करने का मिल जाता है। और क्लॉक फॉर्मेट चेंज करना है सिंगल लाइन या डबल लाइन वो भी आप यहां से चेंज कर पाओगे। तो ये पूरा थीमिंग सेक्शन है। एंड मिसलेनियस के अंदर गेम स्पेस इसके अंदर आपको मिलता है, यहां पे इनकोल गेम का ऑप्शन मिल जाता है एंड इन गेम कॉल का ऑप्शन, तो यहाँ से आप जो है यूज़ कर पाओगे। बाकी इंटरफेस गेम में दिखाएंगे। पैरेलल स्पेस में एक प्रॉब्लम यहाँ पे, हालांकि पैरेलल स्पेस आपका काम कर रहा, प्रॉब्लम क्या इसमें देखने को मिल रही वो भी आ गया, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, स्पेस क्रिएट हो गया, एक कोई भी एप्लीकेशन मैं इनेबल करता हूँ ऊपर उसे सर्विसेज की सेटिंग्स आपको मिल जाएगी, न्यू स्पेस क्रिएट कर पाओगे, तो सब आपको मिलेगा जैसे कि बाकी रोम्स में मिलता है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट यहाँ पे जैसे कि हम गए एप्लीकेशन पे, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, काम कर रहा है यहाँ पे। और जैसे कि बाय डिफॉल्ट आपका फाइल मैनेजर या प्ले स्टोर पर इनेबल हो जाता है, बट रिसेंट पे जैसे ही आप आओगे रिसेंट पे आने पे ये क्रैश कर जाएगा बार बार आपका लॉन्चर, तो ये एक प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को मिली। तो मेन सेटिंग से आप जा करके यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर पाओगे, बट रिसेंट पे जाने का मेन दिक्कत आपको यहाँ पे रहने वाला है, बाकी ऐसे काम कर रहा है, सिर्फ रिसेंट पे ये प्रॉब्लम है जो कि आगे अपडेट में मेरे हिसाब से फिक्स हो जाएगा ये चीज़, बाकी पैरेलल स्पेस ऐसे काम कर रहा है। एंड अनलॉक हायर एफपीएस का बग रहने वाला, ये काम नहीं कर रहा है। और चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगा, इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग भी है, इससे स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो लिमिट्स होती हैं उसको आप रिमूव कर पाओगे सभी एप्लीकेशन से। यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन भी यहीं पे है, स्टेटस बार पैडिंग भी आप यहीं से कंट्रोल कर पाओगे। फिर लास्ट में जो इसका सेक्शन बना हुआ है वो है अबाउट फोन का, इसका सेक्शन पूरा आपको मिलता है कॉल टू एस का। एंड डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे एडिप्टिव ब्राइटनेस में वन शॉट ऑटो ब्राइटनेस मिल जाता है, एक्स्ट्रा डिम यहीं पे है। लॉकिंग के अंदर आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा डबल लाइन क्लॉक का, ऑलवेज शो टाइम इन्फो यानी कि हमारा ऑलवेज ऑन हो गया, ये काम कर रहा है। इसी के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑलवेज ऑन वैन चार्जिंग का, अमिन डिस्प्ले का, बैक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन का ऑप्शन, तो ये सब मिलेगा। और नीचे यहाँ पे स्क्रीन टाइम का जो टाइम आउट दिया गया वो 2 मिनट का है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, बाय डिफॉल्ट 2 मिनट का सेट था। लॉक स्क्रीन टाइम आउट भी यहीं पर है। और वॉल टेक्स्ट आप करना चाहो तो भी आप यहां से कर पाओगे। नाइट लाइट काम करता है, रोटेशन में आपको मोड्स मिल जाएंगे, रोटेशन मोड्स एंड टैप टू बैक काम कर रहा है। अलाउ विंडो लेवल ब्लर भी है, तो इसे हो फिर रखना उसे। एक्सीडेंटल बैकअप भी है और अम्बिन डिस्प्ले का भी ऑप्शन यहीं पे हमें देखने को मिल जाता है। और अब चलते हैं वॉल पेपर स्टाइल की तरफ। तो इसके अंदर आपको जो है एक तो आपका जो वॉल पेपर हो इनबिल्ड ही आता है, ये जो सेट है वॉलपेपर बेसिक कलर भी है, थीम डाइकन भी मिल जाता है और ऐप ग्रिड ये भी काफ़ी मिलते हैं। थीम डाइकन प्रॉपर अप्लाई ना हो तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को सभी को अपडेट कर देना। और ऐप्स के अंदर में यहाँ पे जो है फिलहाल आपका डिफ़ॉल्ट ऐप्स देखने को मिलेगा जिसकी कॉल टॉय ऐसे लॉन्चर है। आइकन की सेटिंग नॉर्मली जैसे बाकी मिलते उसी तरीके से रहेगी। होम स्क्रीन भी सिमिलर सही है, स्क्रॉल आपको वॉलपेपर जूमिंग ये सब मिलेगा, हॉट सीट बैकग्राउंड एंड ऐप ड्रॉअर मिल जाता है। ड्रॉयर पे ऐप सर्च बार आप इनेबल कर पाओगे। थीम डाइकन है, रीसेंट पे मेमोरी इन्फो है, स्क्रॉल वाइब्रेशन है रीसेंट के लिए, बाकी आपका यहाँ पे रीसेंट कुछ इस तरीके का है। हालांकि स्क्रीन अगर ब्लिंक करे तो ये सेटिंग से लॉन्चर से जब आते हो तब इस तरीके से होता है। होम स्क्रीन पे जाओगे वापस जब लॉन्चर पे आओगे ठीक हो जाता है इस तरीके, अगर कभी हो तो इस तरीके से आप जो है फिक्स कर लेना, ईजी है ऐसे आपको पता ही होगा ये चीज़ तो। एंड मिसलिनियस के अंदर यहाँ पे हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप देखने को मिलेगा, अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन एंड बैकग्राउंड ब्लर के लिए मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके लॉन्चर के अंदर रहने वाली हैं। नोटिफिकेशन के अंदर आपका है नॉर्मल ही नोटिफिकेशन का पूरा सेटिंग्स है, नोटिफिकेशन लाइट ये सब काम कर रहा है। एंड बैटरी के अंदर यहाँ पे बैटरी यूजेस है, रीसेट स्टेट्स भी यहीं पे मिल जाता है, एसपी वाला बैटरी यूजेस मिलता है, बैटरी सेवर भी इसी के अंदर मिल जाता है और बैटरी मैनेजर भी है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी है, बैटरी चार्जिंग वॉर्निंग भी है जो कि काम कर रहा है और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पर है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे मिल जाता है। और बैटरी टेम्परेचर आप फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस पे यहाँ पे चेंज कर पाओगे टैप करके। बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 86% बैटरी हमें इसके अंदर देखने को मिली हुई है। और अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके साउंड एंड वाइब्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम स्टेप मिल जाता है इसके अंदर में, डू नॉट डिस्टर्ब भी यहीं पे है, फ़ोन रिंगटोन लगाने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरीके का,
मीडिया आपको दिखा दो एक बार किस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पे जो एनिमेशन है वैक्यूम जैसे मिल रहा है वो है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इसका प्ले एंड पाउज हम करते हैं तो यहाँ पे आपको एनिमेशन मिलता है, बेब एनिमेशन। बट नॉर्मली अगर हम पाउज कर देते हैं या प्ले रहता है तो स्क्रीन पे भी एक एनिमेशन मिलता है अभी लेटेस्ट में देखोगे, जो कि इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और मीडिया के वॉल्यूम स्लाइडर में तो एंड्रॉयड एल जब से आया था तब से इसके लगे हुए हैं। बाकी तो यहाँ पर अगर हम बैक करते हैं और चलते हैं बाहर में तो इसके अंदर वाइब्रेशन हैप्टिक हमारा बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। इनकोर वाइब्रेशन भी इसी के अंदर है एंड कस्टम रिंगटोन वाइब्रेशन भी आप लगा पाओगे इसके अंदर। बाकी के साउंड के ऑप्शन नीचे हैं और पर वॉल्यूम कंट्रोल भी मिल जाता है। एमआई साउंड एनहांसर बिल्कुल काम कर रहा है, सेलेक्ट सीन हमें नहीं मिलता है बट हाई फाई और प्रीसेट्स लेटेस्ट रहेंगे। क्लियर स्पीकर भी इसी के अंदर है। एसबिलिटी के अंदर आपको यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा रिम नहीं मिलेगा क्योंकि डिस्प्ले के अंदर मूव हुआ पड़ा है। एंड यहाँ सिक्योरिटी के अंदर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट है। मोर सिक्योरिटी में बात करें तो ये आपका इनक्रिप्टेड है, मैं डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल किया रोम। एंड यहाँ पे हमारा जो पैटर्न साइज है वो तो नहीं मिलता बट पिन ऐड करोगे तो स्क्रैम्बल लेआउट मिल जाता है। और फिंगरप्रिंट देखोगे तो कुछ इस तरीके का काम कर रहा है अच्छे से, रिपल इफेक्ट ऑफ कर रखा हूँ इसे। एंड फेस अनलॉक भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आईआर फेस अनलॉक अवेलेबल है इसके अंदर में। बाकी नॉर्मल यहाँ पे सेटिंग है बट जैसे कि बताया पिन ऐड करोगे तो स्क्रैम्बल लेआउट भी मिलता है। बाकी फिर डिजिटल वेलबिंग यहाँ पे मिल जाएगा, जो सारी एक्टिविटीज़ हमारी हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है, अच्छे से ऐड हो रहा है। सिस्टम के अंदर चलते हैं लैंग्वेज में, तो यहाँ पे ऐप लैंग्वेज जो है इसके अंदर काफ़ी सारे एप्लीकेशन पे सपोर्टेड मिल जा रहे हैं और अपडेटर भी दिया गया है। बाकी फिर यहाँ पर ऐप थर्मल प्रोफाइल आपको सिस्टम के अंदर ही देखने को मिलता है, जिस पे परफॉर्मेंस चाहिए तो आप परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लेना, उस पे आपको परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी मिल जाती है। अब यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल करते हैं, उसके बाद चलते हैं इसके डिस्प्ले कटआउट के अंदर में और देखते हैं यहाँ पे किसके अंदर हमें हाइड नोच मिलता है या फिर नहीं मिलता है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो डिस्प्ले कटआउट जैसे कि एनिमेशन स्केल्स के नीचे देखने को मिलता है यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे हमें हाइड नोच भी मिल जाता है और कुछ इस तरीके का जो है ये हाइड होने वाला है, तो ये इसके अंदर मिलता है। अब चलते हैं क्यूएस पैनल की तरफ। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस रोम के अंदर आपको मिलने वाली डिफ़ॉल्ट में ही तो क्यूएस पैनल का ही है, क्योंकि काफ़ी लैग कर रही है और साथ साथ ब्राइटनेस स्लाइडर में भी स्क्रॉल करोगे उसमें भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल में तो आपको लैग मिलता है, वैसे अगर ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ टाइल नॉर्मल ऑन ऑफ होता है, होल्ड करोगे तो पॉपअप वाला फिर मिल जाता है। बट यहाँ पर स्क्रोलिंग को अगर आपको फिक्स करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे नो ग्रेविटी कर्नल है वो आप यहाँ पे जो है फ्लश कर देना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आपको मिलेगा। बाकी सेटिंग सभी आपको लेटेस्ट ही मिल जाती हैं देखोगे तो, बट जैसे स्लो स्क्रॉल करोगे आप देख सकते हो तो कितना ज़्यादा लैग करता है और कुछ ज़्यादा ही इसके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है बाय डिफॉल्ट के अंदर में। अगर आप देखोगे तो ये चीज़ आपको मिलने वाली है, इसलिए नो ग्रेविटी कर्नल आप इसके अंदर फ्लश करोगे तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। कि यूज़र भी यूज़ करें वो भी बताएं कि वो यूज़ करें उनका प्रॉब्लम उससे फिलहाल फिक्स है, तो कर्नल आप चेंज करोगे तब आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स मिल जाएगी। बाकी बाय डिफॉल्ट में काफ़ी लैग करता है, ब्राइटनेस स्लाइडर में भी आप देख सकते हो किस तरीके से लैग कर रहा है, आपको यहीं पर स्क्रीन पर ही देखने मिल जाएगा कि काफी ज्यादा जो है ये लैग कर रहा है। तो यहाँ पे क्यूएस पैनल के अंदर खासकर आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग्स नॉर्मल आपको मिल जाता है, स्किप टाइमर एचईवीसी नहीं मिलता, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी आपको हल्का फुल्का यहाँ पे लैग जो है बढ़ता है हल्का सा। और एक प्रॉब्लम और रहेगी कि आपका नोटिफिकेशन अगर आप क्लियर करते हो स्वाइप करके तो उसमें भी जो है आप जल्दी से फास्ट करोगे तब हो जाता है, बाकी स्लो में आप देख सकते हो तो अटकता सा है, तो ये प्रॉब्लम मिलती है। तो ये सब फिक्स करना है, तो यहाँ पे नो ग्रेविटी कर्नल आप फ्लश कर लेना। बाकी वॉल्यूम स्लाइडर देखोगे तो ये भी जो है यहाँ पे अटक रहा है थोड़ा सा, तो ये भी प्रॉब्लम एक मिल रहा है इसके अंदर में। बाकी ऐप ओपनिंग इन सब को अगर देखें तो इन सब बिल्कुल अच्छे से काम करें, इनमें दिक्कत नहीं, ज़्यादातर क्यूएस पैनल सब एनिमेशन जो है उन्हीं सब पे दिक्कत है, बाकी जगह अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें हमारी अच्छे से काम कर रही हैं। और इसके अंदर आपका जो प्ले स्टोर है बिल्कुल बाय डिफॉल्ट सर्टिफाइड आता है, तो सेफ्टी नेट पास है, बैंकिंग ऐप आप आराम से यूज़ कर पाओगे विदाउट रूट भी। और यहाँ पे एक कैमरा जो दिया गया है वो MIUI का मिल जाता है, हालांकि इसके अंदर आपका वाटर मार्क काम नहीं करेगा, सेटिंग से आप देख के समझ गए होंगे यहाँ पे नहीं काम करेगा, पोर्ट्रेट मोड यूज़ कर पाओगे। और मोर के अंदर पैनोरमा मोड काम कर रहा है बट स्लो मोशन में 120 FPS का बग रहेगा, बाकी काम कर रहा है। और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी बाय डिफॉल्ट से आपको यहाँ पे 1080 60 FPS तक मिलेगा, बट इसका एक पैच आता है उसको फ्लश करने के बाद 4K आपको मिल जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट एलेक्जर में भी साथ तक इस तरीके से करना पड़ता है। और यहाँ पे GCam यूज़ करना चाहो तो वो आप यूज़ कर पाओगे, ये अच्छे तरीके से काम कर जा, लेकिन हाँ लेटेस्ट में स्लो मोशन ही सब क्रैश करेगा। और वाइड वन L1 का सपोर्ट ये मिल जाता है, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर में आपका FM काम कर रहा है, गैलरी से हमें नॉर्मल ही मिलती है तो गूगल फोटो इंस्टॉल कर लेना, उसके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर में आपका ओके गूगल बिल्कुल काम कर रहा है, ओके गूगल को लेकर के ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलता है, तो ये चीज़ें आपकी वर्किंग रहेंगी। अब बात करें कॉलिंग को लेके, तो कैरियर वीडियो कॉल का बग है इसके अंदर, क्यों आपके यहाँ पे काम तो कर जा रहा है बट अदर साइड ब्लैक रहता है और साथ साथ आपके साइड में आईआर कैम जो है काम करता है, तो एक प्रॉब्लम है और ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाता है। बाकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वाईफाई कॉलिंग ये सब काम कर रहा है,
ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वर्किंग है, ब्लूटूथ डिवाइस अगर यूज़ करते हो तो मीडिया कॉलिंग दोनों में काम कर रहा है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वीडियो कॉल का थोड़ा इशू है। एंड यहाँ पे आपका एंटूटे स्कोर 437,933 हमें मिलता है, एंड सीपीयू थ्रो रेट 89% आया, और इसका जो जीप स्कोर है मैक्स पे 182,000 है, एवरेज स्कोर में 175,000 देखने को मिल जा रहा है। और गिगबेंच स्कोर की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंगल में 560 आया और मल्टी के अंदर 1973 जो है हमें यहाँ पे स्कोर देखने को इसका भी मिल जाता है। और अब मैं इसका थोड़ा सा बूट एनिमेशन आपको दिखा दूँ कोल्ट ओएस का, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रिव्यू करने जा रहा हूँ तो काफ़ी कुछ कवर करना होता है फर्स्ट के अंदर में, आगे फिर अपडेट में जो चेंजेस होंगे सिर्फ उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके का इसका कोल्ट ओएस का बिल्कुल कलरफुल बूट एनिमेशन देखने को मिल जाता है, इसके लोगो का ही जो कलर है उसी टाइप से आपको कलर यहाँ पे देखने को बूट एनिमेशन पे भी मिल जाता है। बट QS लैग के लिए जैसे कि बताया, एक यूज़र भी हमारे जो है बताए भी हैं कि आप कर्नल जो है चेंज करना आपका फिक्स हो जाएगा। एंड इसके अंदर में आपको गेम स्पेस कुछ इस तरीके का मिलता है, मोड है, FPS इन्फो है, स्टे बैक है, नोटिफिकेशन है, नीचे रैम यूजेस जो है वो आपका दिखाता है कितना यूज़ हो रहा है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और ग्राफिक की बात करते हैं तो ग्राफिक इसके अंदर में आपको यहाँ पे जो है स्मूद एंड एक्सट्रीम पे मिल जाता है, हाई FPS जैसे कि काम नहीं कर रहा जो कि सेटिंग में दिया हुआ है बट काम नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पे बैलेंस पे आपका अल्ट्रा HD पे अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा तक मिलेगा। तो स्मूद एंड एक्सट्रीम पे हम खेलने वाले हैं, उसे 90% अनलॉक भी होता तो भी हमारे काम का वो नहीं होता। और यहाँ पे गेमिंग की अगर बात करूँ तो गेमिंग थोड़ी ठीक है, गेमिंग को लेकर मैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं कहूँगा, गेमिंग थोड़ी ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे अगर आप नो ग्रेविटी कर्नल अगर आप फ्लैश करते हो NGK वाला तो उसमें जो है आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी, साथ साथ आपका जो QS लैग कर रहा है या नोटिफिकेशन स्वाइप में भी जो QS के रिलेटेड जो लैग्स ज़्यादातर मिल रहे हैं इसके अंदर में वो आपका ज़रूर यहाँ पे जीरो लैग एक तरीके से हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल लैग फिर वो नहीं करता। लेकिन अभी डिफ़ॉल्ट के साथ काफ़ी लैग कर रहा है फर्स्ट बिल्ड में, मे भी आगे के अपडेट में इसी को जो है इसी कर्नल के साथ या फिर शायद तक फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि पहले भी हमें जो है कुछ रोम्स में इस तरीके से देखने को मिला था लेकिन अपडेट के साथ धीरे धीरे जो है फिक्स हो गया था। तो अभी फिलहाल डिफ़ॉल्ट के साथ इसके साथ प्रॉब्लम है, बट आप खुद फिक्स करना चाहो तो कर्नल आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान भी रखना कि कर्नल जब भी चेंज करो तो उससे पहले कर्नल दूसरा फ्लश करने से पहले अपना बूट का जो है बैकअप हमेशा ले लिया करो, ताकि वापस अगर कभी जाना हो तो आप बैकअप ले रखो, रिस्टोर करके वापस आ सकते हो अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती हो। इसलिए हमेशा जो है कर्नल फ्लश करने से पहले बूट का बैकअप ले लिया करो। बाकी यहाँ पे कर्नल आप फ्लश करोगे तो आपका प्रॉब्लम ये फिक्स हो जाएगा, बट डिफ़ॉल्ट में जैसे बताया प्रॉब्लम है। बैटरी गेमिंग की बताया, जैसे कि गेमिंग आपको ठीक ठाक मिल जाता है, गेमिंग ऐसे डिफ़ॉल्ट के साथ ख़राब बिल्कुल नहीं है बट बिल्कुल तगड़ा भी नहीं रहने वाला। तो यही सारी चीज़ें थी फिलहाल हमें इस बिल्ड के जो कि देखने को मिलता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।